हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए के इंडियन ब्लॉगर्स। तो आज हम बनाने वाले हैं ओरियो केक। यस, घर पे। तो यहाँ आपने देखा, हमने कुछ हाइड एंड सीक एंड ओरियो बिस्कुट उसे क्रश करके हमने उसे मिक्सर में डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे और इसको बिल्कुल ही मैश कर लेंगे। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो है मेरी सिस्टर केक बना रही है। यस, मेरा बर्थडे था, वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। बट बर्थडे स्पेशल हमने लॉकडाउन में बाहर से खाना सेफ ना समझ के घर में ही हमने ओरियो केक फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। होप यू गाइस लाइक इट। तो आपने देखा यहाँ पे जो है ग्राइंड बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम इसे। फिर ग्राइंड करने के बाद फिर हम इसे थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड करके इसे मैश करके फिर हम इसका बेस बनाएंगे। तो एज यू कैन सी कि ये काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो रहा है। हम चेक करेंगे कहीं पे कुछ हार्ड पार्ट ना रह जाए तो हम उसे क्रश कर देंगे। तो यहाँ ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो हम इसका सारा जो भी हमने इसे ग्राइंड किया है मिक्स करके इसे अच्छे से हम एक बाउल में निकाल लेंगे। हम चेक कर लेंगे कुछ भी पार्ट टफ सा ना रह गया हो तो हम उसे क्रश कर लेंगे। देन हम इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे ताकि हम इसमें मिल्क ऐड करके इसे अच्छे से मैश कर पाएं। एक साइड हमने कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के रखा क्योंकि हम ये बना रहे हैं गैस में बना रहे हैं, केक ओवन में नहीं बना रहे हैं। तो नमक डालने से ये रहेगा कि वो अच्छे से बेक होने में केक को हेल्प मिलेगा। तो पहले हम हल्की आंच में कुकर रख देंगे, उसके अंदर नमक डाल के उसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। यस, थोड़ी देर के लिए। देन हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे एंड पीनो डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देन हमने यहाँ पे हाफ ग्लास जो है मिल्क लिया है वो हम धीरे धीरे इसमें ऐड करके इसे हम अच्छे से मिक्सअप करते रहेंगे। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और धीरे धीरे करके हम आधा ग्लास जो मिल्क है वो हम पूरा ही इसमें बेस में ऐड कर देंगे। अच्छे से हमें इसमें मिक्स भी करते रहना है ताकि कोई पार्ट जो है साबुत ना रह जाए, अच्छे से सब कुछ मिक्स होकर एक लिक्विड फॉर्म में बन जाए। लिक्विड भी इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं कि वो बेक होने में प्रॉब्लम हो। एक्चुअली हमसे थोड़ा ज़्यादा ही मिल्क उसमें गिर गया था मिलाते मिलाते, जिस वजह से केक हमारा थोड़ा सा जो है ब्रेक भी हो गया था। बट बेस बिल्कुल हमारा टफ रहा था और काफ़ी अच्छा से हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हम इसे बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। देन हमारा ये बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो गाइज आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने अच्छे से मिल्क सारा आधा ग्लास ऐड करके मिक्स कर लिया हमने इसे अच्छे से। देन हम चेक करेंगे और एक हम अच्छा सा गोल शेप का बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसे अच्छे साइड से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हम बेस उस पर डालें तो वो साइड में चिपके नहीं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से ऑयल डाल के उसे साइड से चिपका लिया। अब उसमें थोड़ा सा जो है साइड से मैदा डालेंगे और उसे अच्छे से साइड से उसे थोड़ा सा रफ कर लेंगे ताकि जो हमारा बेस है उसे डाले तो उसमें वो चिपके नहीं और जब हमारा केक बेक हो जाए तो हम इजली उसे निकाल सकें। तो हल्का हल्का करके हम उसे पूरा साइड में उसका बना देंगे क्योंकि हमारे पास केक पेपर भी नहीं था जो हम उसके ऊपर केक डालते। थोड़ा सा हम इनो और लेंगे और उसमें हम डालेंगे ताकि बेक होने में ईजी रहें और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे एक अच्छे से जिस बाउल में हमने अपना ऑयल और बेस डाल के हमने उसे सही किया था उसमें हम सारा अच्छे से जो है केक का जो भी हमने और मिल्क डाल के जो ओरियो केक का हमने जो मिक्सर बनाया था उसे हम अच्छे से उसमें डाल देंगे। देन हम उसे अच्छे से राउंड शेप में उसे अच्छे से रख देंगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कितने अच्छे से हमने
कोशिश तो हमने अपने से अच्छे से करी है। देन हम उसे जो कुकर में हमने नमक डाल गर्म कर रखा था उसके अंदर हम रख के और ढक्कन लगा के मेक श्योर कि आप सीटी ना लगाएं उसमें, क्योंकि हमें वो नहीं करना है। तो वो हम उसे 45 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी हमने गाइस बीच में चेक किया था कि वो है थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है, नेक्स्ट आप देख सकते हो, और हम इसे चेक करेंगे तो एक स्टिक डाल के कि वो अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ, अंदर से वो फ्लफी सा हुआ है कि नहीं हुआ है। देन हम इसे निकालेंगे एंड देखेंगे कि हमारा केक कैसे बना है। गाइस दिस इज़ फर्स्ट टाइम ट्राई जो कि हमने घर में ट्राई किया था, अगर कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज़ एक्सक्यूज अस। लाइफ में जब तो कुछ बिगड़े नहीं, कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता है, तो हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, कभी तो वो चीज़ परफेक्ट होगी। सो ये हमारा फर्स्ट टाइम ट्राई था, मैंने मेरी सिस्टर ने बहुत प्यार से मेरे लिए केक बनाया था, क्योंकि हम बाहर से नहीं रिस्क ले सकते। तो देख सकते हो आप कि ऊपर का बेस तो ठीक है लेकिन नीचे थोड़ा सा वो लग गया था केक, बट स्टिल हमने उसे ठीक किया। ऊपर से हमने चॉकलेट का ग्रेवी बनाया था, डेरी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके हमने उसके ऊपर पे डालने के लिए बेस बनाया था, तो हमने वो सारा चॉकलेट ऊपर ऐड किया। देन हमने इसे अच्छे से गार्निश भी किया, हमने इसमें गार्निश किया जैम्स और थोड़े से कैडबरी चॉकलेट के छोटे छोटे क्यूब्स लगाए इसमें, और हमारा बर्थडे केक बहुत अच्छे से, और हमने इसे फ्रीज होने के लिए एटलीस्ट 1 to 2 hours रख दिया ताकि जो हमारा केक है वो मेल्ट ना हो। गाइज अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। एंड इंग्रेडिएंट्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है क्या क्या हमें इसमें लगा था, कितने पैकेट हमने बिस्किट लगाया था। तो देखो गाइज यहाँ मेरा बर्थडे केक ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, जिमी सिस्टर ने बड़े प्यार से किया था। अच्छा सा बिग थम्स अप देना गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है ड्यू टू सम रीजन, बट वीडियो ज़रूर आएगा मेरे चैनल पे। और भी बहुत सारी फूड वीडियो है जो कि हमने लॉकडाउन के थ्रू बनाई थी, व्लॉग्स भी आपको कुछ टाइम बाद देखने को ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना गाइज। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर सेल्फ, बाय गाइज़।